एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लास्ट टर्न पे हमने मैग्नेटिक फील्ड अराउंड सर्कुलर लूप का टॉपिक कंप्लीट किया था, और आज केवल एक टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ सोलेनॉइड। बच्चों, सोलेनॉइड क्या है? एक कार्डबोर्ड के ऊपर, सिलिंड्रिकल कार्डबोर्ड के ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर के ऊपर इंसुलेशन होगा, एक प्लास्टिक कवरिंग हो सकती है। उस कॉपर वायर को एक इंसुलेटेड कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड के ऊपर हमने लपेट दिया, तो उस कार्डबोर्ड के ऊपर लपेटने पर एक कॉइल के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, एक कॉइल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। देखने में कुछ कुछ आपको एक स्प्रिंग जैसा दिखाई देगा, तो वो जो स्प्रिंग जैसा दिखने वाला कॉपर वायर है, इंसुलेटेड कॉपर वायर है, उसी को हम सोलेनॉइड कहते हैं। आपने स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से बनाया है, आप इस डायग्राम में देखें कि जो सोलेनॉइड की लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी, जो उसका डायमीटर है उससे ज़्यादा उसकी लेंथ होगी। तो डायमीटर कम, लेंथ ज़्यादा, एक कॉपर वायर को, इंसुलेटेड कॉपर वायर को कॉइल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम सोलेनॉइड कहते हैं। इस सोलेनॉइड के दोनों एंड्स को हमने एक की के थ्रू एक बैटरी से कनेक्ट किया है, ताकि इसके अंदर करंट पास हो सके। बच्चों, आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब किसी कंडक्टर से करंट को पास कराया जाता है, तो उस कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि सोलेनॉइड के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का होता है। फिर सुनिए, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड क्या है? एक सिलिंड्रिकल कार्डबोर्ड के ऊपर आपने एक कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर को वाउंड किया, उसको लपेट दिया, एक कॉइल के फॉर्म में कन्वर्ट किया, और इस कॉइल को हम सोलेनॉइड कहते हैं। इस सोलेनॉइड के अंदर करंट पास कराने पर एक मैग्नेटिज्म जनरेट होता है। इस मैग्नेटिज्म का क्या पैटर्न होगा, मैग्नेटिक फील्ड का क्या पैटर्न होगा, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले इसके सेंटर पे देखिए, सोलेनॉइड के सेंटर पे आपको कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई देंगी, और ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, और इनकी डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन होगी। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सोलेनॉइड के सेंटर पे, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल लाइंस हैं, डायरेक्शन सेम है, स्ट्रेट लाइंस हैं, इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अगर आपसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाएं, तो आप क्या करते हैं, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बनाते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। जैसे कॉपी में हमारे पेज होते हैं, उन पेज पे जो लाइन बनी होती हैं, अगर उन सारी लाइन को एक एरो उसमें दे दिया जाए, सेम डायरेक्शन में एक एरो लगा दिया जाए, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। कुछ ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड आपको सोलेनॉइड के सेंटर पे दिखाई देगा, सारी लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, स्ट्रेट लाइंस होंगी, इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। बच्चे, सोलेनॉइड के चारों तरफ जब मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न देखते हैं, तो कुछ ऐसा ही पैटर्न आपने बार मैग्नेट के चारों तरफ देखा था। हमने फर्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में कवर किया था मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए बार मैग्नेट। कुछ वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर्व लाइंस हैं, नॉर्थ पोल से स्टार्ट करती हैं और साउथ पोल की तरफ जाती हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द सोलेनॉइड, इनसाइड द सोलेनॉइड तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा होता है, एक बार मैग्नेट जैसा होता है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप देख सकते हो नॉर्थ पोल से चलनी स्टार्ट होती हैं और साउथ पोल की तरफ जाती हैं। आप कह सकते हो कि इस सोलेनॉइड का एक पोल नॉर्थ पोल की तरह काम करता है, एक एंड नॉर्थ पोल की तरह काम करता है और दूसरा एंड साउथ पोल की तरह काम करता है। अगर मैं सोलेनॉइड को एक थ्रेड से बांध करके इसको हैंग करा दूं, तो मैं देखता हूं कि कुछ देर बाद ये सोलेनॉइड नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकता है, मींस सारी प्रॉपर्टीज़ एक्वायर कर लेता है, किसकी, बार मैग्नेट की। तो सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न में सिर्फ हमने दो पॉइंट डिस्कस किए। फर्स्ट पॉइंट इज़ मैग्नेटिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड, एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ मैग्नेटिक फील्ड इज़ एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट। अगर आपको बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो देखें, जहाँ पर आपको बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जनरेट होता है। बच्चों, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, हमने हर टॉपिक में डिस्कस किया है
कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी वो सबसे पहले डिपेंड करेगी करंट के ऊपर। सभी में कॉमन है कि स्ट्रेंथ करंट के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि आखिरकार ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट तो करंट से ही होता है ना। तो फिर अगर आप करंट को इंक्रीज कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा, ये मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्ट प्रपोर्शन में होती है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के। मतलब अगर आप सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बढ़ाओगे, स्टूडेंट ध्यान रखें पर यूनिट लेंथ बढ़ाओगे, नंबर ऑफ टर्न्स तो आप कितने भी बढ़ा दो और इसकी लेंथ कितनी भी बढ़ा दो, बट लेंथ को ना बढ़ा करके केवल नंबर ऑफ टर्न्स को अगर बढ़ा दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आप इसमें देख सकते हो डायग्राम में, टोटल 6 टर्न्स आपको दिखाए गए हैं। अगर आप इतनी ही लेंथ में 12 टर्न्स कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा। तो लेंथ को ना बढ़ा करके मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न को स्ट्रांग करने के लिए आप लेंथ को ना बढ़ा करके क्या करते हो, आप नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करते हो, तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। स्टूडेंट्स, सोलेनॉइड में हमारे पास आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, नॉर्थ पोल दिखाया गया है, साउथ पोल दिखाया गया है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द सोलेनॉइड, नॉर्थ पोल से साउथ पोल दिखाई गई है, इनसाइड द सोलेनॉइड एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं और सेम डायरेक्शन में। बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट सबसे पहले हम इस डायग्राम में देखेंगे। पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है। एक टेम्परेरी मैग्नेट है। देखो, जो परमानेंट मैग्नेट है उसका मैग्नेटिज्म फिक्स है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ फिक्स है, आप उस स्ट्रेंथ को चेंज नहीं कर सकते। तो आप क्या करते हो, आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हो जिसकी स्ट्रेंथ आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। तो हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ जनरली करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, जहाँ पर आपको मैग्नेटिज्म कुछ देर के लिए चाहिए होता है, उसके बाद आपको मैग्नेटिज्म की रिक्वायरमेंट नहीं होती और जहाँ पर आप मैग्नेटिज्म को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मैग्नेटिज्म जनरेट करना, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, या इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मैग्नेट बनाना उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। बच्चों, आप इस डायग्राम में देखो, एक सोलेनॉइड आपको दिखाया गया है, लेकिन ये क्या, इस सोलेनॉइड के सेंटर पे क्या है, ये जो एक ग्रे कलर का आपको दिखाया गया है जिसमें लिखा हुआ है आयरन कोर, तो सोलेनॉइड के सेंटर पे हम एक सॉफ्ट आयरन की रॉड हमने रख दी है। सोलेनॉइड के अंदर हमने एक सॉफ्ट आयरन की रॉड रख दी है। अब जब आप इस सोलेनॉइड से करंट को पास कराते हो तो करंट की वजह से मैग्नेटिज्म जनरेट होता है, और क्योंकि आपको पता है कि मैग्नेटिज्म सोलेनॉइड के सेंटर पे यूनिफॉर्म होता है, तो जब ये आयरन कोर इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आती है तो ये मैग्नेटाइज्ड हो जाती है, मींस ये मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट एक टेम्परेरी मैग्नेट है, जब तक इस सोलेनॉइड में करंट पास होगा तब तक मैग्नेटिज्म रहेगा, और जैसे ही करंट पास होना बंद हो जाएगा मैग्नेटिज्म भी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सोलेनॉइड में एक आयरन कोर रखी हुई है, आयरन कोर एक मैग्नेट का काम करेगी, कब तक, जब तक सोलेनॉइड में करंट पास होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि करंट पास करने पर एक मैग्नेटिज्म भी जनरेट हुआ। स्टूडेंट्स, ये जो मैग्नेटिज्म है ये बिल्कुल आपके कंट्रोल में है, आप चाहो तो इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हो, चाहो तो इसकी स्ट्रेंथ को कम कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड, और दूसरा इलेक्ट्रिक करंट इन द सोलेनॉइड। नाउ द नेक्स्ट वन इज, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ पर आपकी यूज़ होती है। आपने क्लास में 7th में या 8th में एक डायग्राम देखा था इलेक्ट्रिक बेल का, जिसमें एक छोटी सी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ हुई थी। आपने पढ़ा था कि जब करंट को पास कराते हैं तो एक मैग्नेट की तरह काम करती है, और जब करंट बंद हो जाती है तो मैग्नेट की तरह काम नहीं करती। तो वो क्या था, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट था, एक टेम्परेरी मैग्नेट थी। इलेक्ट्रिक फैन, टेलीग्राफ, इलेक्ट्रिक ट्रेन, जो जापान की बुलेट ट्रेन है वो पूरी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर काम करती है। देन
एन इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर भी हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। देन स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये लिफ्टिंग और ट्रांसपोर्टिंग लार्ज मासेज, आपने देखा है जो गार्बेज वगैरह या दिल्ली वगैरह में जहाँ पर बहुत बड़े बड़े कूड़े के ढेर हैं, जो गार्बेज के बड़े बड़े ढेर हैं, वहाँ पर क्या होता है कि बड़े बड़े जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जो गाड़ियाँ वगैरह टाइप की हैं, जो ख़राब गाड़ियाँ वगैरह हैं, उन सबको उठाने के लिए, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को, बड़े बड़े आयरन ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं। देन इसके बाद हमारे पास में जो मेडिकल प्रैक्टिसेस, यानी कि जब मान लीजिए कोई चोट वगैरह लग गई, कोई आयरन की आयरन नेल, कोई पिन वगैरह हमारे मान लीजिए किसी भी बॉडी पार्ट के अंदर घुस गई, तो उसमें होता क्या है कि उसको सर्च करने के लिए भी आप मैग्नेटिज्म का यूज़ करते हो। इसके अलावा इस मैग्नेटिज्म का यूज़ MRI, आपने देखा होगा कि ब्रेन का MRI किया जाता है, तो MRI में जो M है, M मीन्स भी यहाँ पर मैग्नेटिक होता है, तो आप वहाँ पर भी मैग्नेटिज्म का यूज़ करते हो। हम MRI के बारे में भी नेक्स्ट स्लाइड में या नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्परेरी मैग्नेट है, कैसे बनती है, एक आयरन कोर को, आपने सॉफ्ट आयरन कोर का यूज़ क्यों किया, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर की हेल्प से एक स्ट्रॉन्ग टेम्परेरी मैग्नेट बन सकती है। तो आप क्या करते हो, एक सॉफ्ट आयरन कोर को, एक सॉफ्ट आयरन रॉड को एक सोलेनॉइड के अंदर प्लेस कर देते हो, जब करंट पास कराते हो तो सोलेनॉइड में मैग्नेटिज्म जनरेट होता है, जिसकी वजह से आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हो जाती है। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्परेरी मैग्नेट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल हम टेम्परेरी मैग्नेट का ही यूज़ कर सकते हैं या टेम्परेरी मैग्नेट को ही जनरेट कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से परमानेंट मैग्नेट भी जनरेट कर सकते हैं। परमानेंट मैग्नेट जनरेट करने के लिए आप सॉफ्ट आयरन कोर की जगह एक स्टील का यूज़ करते हो, स्टील रॉड का यूज़ करते हो, क्योंकि स्टील की प्रॉपर्टी है कि वो इजीली मैग्नेटिज्म को नहीं लूज़ करती। अगर आप करंट को बंद भी कर दोगे तो करंट को बंद करने के बाद भी वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को इजीली रिमूव नहीं करेगी, उसमें वो प्रॉपर्टीज़ बनी रहेंगी, मतलब वो अपना मैग्नेटिज्म एकदम से लूज़ नहीं करेगी। स्टूडेंट्स, आप एक स्टील बार को आपने सोलेनॉइड के अंदर प्लेस किया, करंट को स्विच ऑन किया और ऑफ़ कर दिया। ऐसा नहीं है बहुत देर तक करंट को पास कराओगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग टेम्परेरी परमानेंट मैग्नेट बन जाएगी। क्यों? क्योंकि जो ये स्टील है उसकी भी एक लिमिटेशन है कि मैक्सिमम कितना मैग्नेटिज्म वो होल्ड कर सकती है। तो आप क्या करते हो, करंट को ऑन कर देते हो और उसको ऑफ कर देते हो, और जब आप उसको, जो हमारे पास स्टील बार है, उसको जब निकालते हो, उसको टेस्ट करते हो, तो आप देखते हो कि वो एक मैग्नेट में कन्वर्ट हो चुकी होती है। स्टूडेंट्स, आप स्टील में अलग अलग टाइप की वेराइटीज़ हैं, जैसे कार्बन स्टील है। कार्बन स्टील क्या होती है, जिसमें कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होती है। क्रोमियम स्टील क्या होती है, जो हमारी स्टेनलेस स्टील होती है सिंपल वाली, वो क्रोमियम स्टील है। क्रोमियम क्यों मिलाते हैं, क्रोमियम का काम होता है कि वो जंग नहीं लगने देता, मतलब रस्टिंग से बचाता है। कोबाल्ट, टंगस्टन स्टील, ये हमारे सिंपल स्टील है जो कहीं पर भी मिल सकती है। इन स्टील के अलावा अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट बनानी है तो आप कुछ अलॉयज का यूज़ करते हो। जैसे सबसे पहला अलॉय आप लेते हो अल्निको। अल्निको क्या है, AL मीन्स एल्यूमिनियम, नी मीन्स निकिल और को मीन्स कोबाल्ट। तो आयरन में एल्यूमिनियम, निकिल और कोबाल्ट को मिलाने पर जो अलॉय बनता है उसको अल्निको कहते हैं। अल्निको क्या, अगर आप यूज़ करते हो एक सोलेनॉइड के अंदर तो बहुत स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट बनती है। देन निपर मैग क्या है, आयरन, निकिल, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम का अलॉय है, यानी कि आयरन में निकिल, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम को मिला दिया गया है, तो अलॉय का नाम क्या बनता है, निपर मैग बनता है। तो अल्निको और निपर मैग बहुत स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट बनाने के काम में आते हैं। देन इसके बाद परमानेंट मैग्नेट का यूज़ आप कहाँ पे कर सकते हो, आप इसका यूज़ इलेक्ट्रिक मीटर्स में कर सकते हो। हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर, इन सब के अंदर आप परमानेंट मैग्नेट का यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा इनका यूज़ माइक्रोफोन में किया जा सकता है, लाउड स्पीकर्स में किया जा सकता है। आपको पता है कि यहाँ पे टेम्परेरी मैग्नेट का तो कुछ काम है नहीं, तो आप यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट का भी यूज़ कर सकते हो माइक्रोफोन्स में और लाउड स्पीकर्स में। तो बच्चों, ये हमारा टॉपिक हुआ सोलेनॉइड का। आज हमने डिस्कस किया सोलेनॉइड के बारे में, आज हमने डिस्कस किया टेम्परेरी मैग्नेट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में, देन हमने डिस्कस किया परमानेंट मैग्नेट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर के आएंगे किक वायर एक्सपेरिमेंट, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और इलेक्ट्रिक मोटर। ये सारा पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।